अग्निवीर को खत्म करेंगे, उम्र सीमा भी बढ़ेगी, बलिया में बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को सलेमपुर और बलिया में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने पूर्वांचल से बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधा, किसानों की खाद की बोरी से चोरी, पेपर लीक, अग्निवीर, संविधान बदलने की बात से लेकर मुफ्त राशन की योजना पर निशाना साधा। पश्चिम से चली हवा की पूर्व में बढ़ गई है रफ्तार। अखिलेश यादव ने बलिया की जनसभा में प्रत्याशी सनातन पांडे के पक्ष में आयोजित जनसभा में कहा कि पश्चिम से हवा चली थी वो पूर्व में और रफ्तार में बह रही है, जब छठे चरण में जो वोटों की बौछार हुई है उससे लग रहा है कि जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, जब सातवें चरण में आएगा तो यही जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखेगा। बलिया के लोग अपने बल से इस बार हराने जा रहे हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है उनकी जबान भी लड़खड़ा जाती है, जैसे कि चुनाव आगे बढ़ा है, बीजेपी के नेताओं की भाषा तो बदली है ही, उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी हो रही है। जिन शब्दों का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो लोग धराशायी होने जा रहे हैं। जिन्होंने पहले चरण में 400 पार का नारा दिया था वो जान गए हैं कि देश की जनता उन्हें 400 हराने जा रही है। 4 जून को मंत्रिमंडल बदलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सनातन पांडे पहले दिन ही चुनाव जीत गए थे, सातवें चरण का चुनाव खत्म होने में बहुत दिन है, 4 जून को मंत्रिमंडल मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। अखिलेश ने कहा खाद की बोरी से 10 किलो चोरी की है, किसान जानते हैं डीएपी लेने गए होंगे, जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदेंगे डीएपी नहीं मिलेगी, क्या नैनो यूरिया से किसी की पैदावार बढ़ी? जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए थे उसी तरह नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़कर चले गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया उसी तरह किसानों का कर्ज माफ होगा, उसी तरह उनकी उपज का सही दाम मिलेगा, सरकार बनी तो 30 लाख नौकरी देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जितनी भी नौकरी निकली सबके पेपर लीक हो गए, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की उन्हें मालूम होगा कि 10 से अधिक परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। नौजवानों से कहा कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी 30 लाख नौकरी केंद्र सरकार की भरी जाएंगी। अग्निवीर व्यवस्था जानबूझकर बीजेपी वाले लाए थे, जब गांव के एक बच्चा फौज में जाता है तो उसका सामाजिक स्तर बदल जाता है, अग्निवीर की व्यवस्था बंद होगी, जरूरत पड़ी तो उम्र की सीमा को बढ़ाया जाएगा। बहुजन समाज से वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव ने अपने भाषण के बहुजन समाज के लोगों से भी इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी व बीएसपी ने अंदर से हाथ मिलाया है, इसलिए बहुजन समाज के लोग समाजवादी और इंडिया गठबंधन का समर्थन कर देना, आपका समर्थन मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का कार्य करेंगे। मंच पर चढ़ने की कोशिश में कार्यकर्ता पकड़ा गया। बलिया में अखिलेश यादव के भाषण के दौरान एक कार्यकर्ता अचानक टी में घुस गया और मंच पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात कमांडो ने उसे मंच पर चढ़ने से पहले ही रोक लिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे वापस भेज दिया।